हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, देखते हो जेएमडी एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडी एकेडमी। एंड दिस इज नॉट एन एकेडमी, दिस इज अ फैमिली। जब जब मेरे दिमाग में कभी आता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़कियां वो नहीं कर सकती, तब तब अचानक कोई लड़की आके सामने खड़ी होकर मुझे सरप्राइज कर देती है अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी जिद के साथ। और फिर मुझे फिर लगता है यार, लड़कियां यार कुछ भी कर सकती हैं। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो गाइस, ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये है अबाउट द गर्ल्स हु डिसाइडेड टू जॉइन मर्चेंट नेवी इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। दे केम टू जीएमडी एकेडमी ट्रस्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड फाइनली देयर एफर्ट्स हैव पेड ऑफ एंड दे हैव जॉइंड गुड शिपिंग कंपनीज और कॉलेजेस। लेट्स जस्ट सी। सो पहली स्टोरी है गाइस, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अ ट्रिब्यूट टू ऑल दी वुमेन आउट देयर जो कि मर्चेंट नेवी में सेल कर रही है और अपना नाम बनाना चाहती हैं। इट्स नॉट एन इजी प्रोफेशन। एक ऐसी डोमेन में जहाँ पर एक माइंडसेट पूरा मेल डोमिनेटेड है, वहाँ पर जाके अच्छा परफॉर्म करना बहुत दम चाहिए। सो बी अ गर्ल विद अ माइंड, अ वुमन विद एन एटीट्यूड एंड अ लेडी विद अ क्लास। ये मैं चाहूँगा कि ये सब जो बच्चियाँ हैं ये सब समझे और ये सब एटीट्यूड लेके जहाज पर जाएँ और एक बहुत कामयाब मर्चेंट नेवी ऑफिसर बने। सो लेट जस्ट स्टार्ट विद नम्रता। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिमोट प्लेस, एक बहुत जो कि कोटद्वार के पास एक छोटा सा एरिया वहाँ से है, विच इज़ इन उत्तराखंड। घर पे बहुत दिक्कतें, रिश्तेदारों ने बहुत बोला ये नहीं कर पाएगी, इसको नहीं जाना चाहिए, ऑल दोस टर्स, बट बोला नहीं मैं जाऊँगी। केम टू जेएमडी अकेडमी, हैड हर ओन स्टोरी ऑफ फेलियर्स, फेल्ड क्राइड बट जिद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, फाइनली मेड इन टू एंग्लो ईस्टर्न। सेम गोज फॉर ऋषिका, केम ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश, लड़ जाती झगड़ जाती थी लोगों से, जेएमडी अकेडमी अच्छा। मैंने बोला भाई तुम रिजल्ट दे दो, तुम्हारा रिजल्ट सब बोलेगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू सेंड, आई एम वेरी प्राउड। ये लड़की जो टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे लोगों से भिड़ जाती थी कि नहीं जेएमडी अकेडमी बहुत अच्छा है, एंड आई टोल्ड हर टू स्टे अवे, हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, तुम रिजल्ट दो, तुम्हारा रिजल्ट बोलना चाहिए। इसने समझा, एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्शन लिया, मात्र 67% पीसीएम में एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्शन, और जिद्दी है, आगे भी अच्छा करेगी। नेक्स्ट इज निमिषा बिष्ट फ्रॉम देहरादून, एक कैप्टन की बेटी हैं, 2 साल की, तब से जहाज पे सेल भी कराएं, अच्छे से जहाज की जिंदगी जानती हैं, अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है और जाना है। इनके पिताजी भी चाहते थे कि ये मर्चेंट नेवी में ही कुछ अच्छा करे और कल को एक कप्तान बने। तो ये जो फादर और डॉटर की जो जोड़ी है, ये हमें बताती है कि भैया वो लोग जो कहते हैं कि मर्चेंट नेवी अच्छा नहीं है, मुश्किल है, तो भाई यहाँ पर एक पिता है जो कि मर्चेंट नेवी को ध्यान से आता है, फिर भी चाहता है कि मेरी बेटी वहाँ ज्वाइन करे। यहाँ पर एक बेटी है जिसने 2 साल की उम्र से मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी देखी है, सेल करा है, देखने के बावजूद कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना है। कुडोज टू द माइंड सेट। सो ऐसी सोच उन सब क्वेश्चन मार्क्स को हटाती है जो कि कहते हैं मर्चेंट नेवी में बहुत सारे मिथ्स हैं, यहाँ लड़कियाँ नहीं कामयाब हो सकती, यहाँ नहीं जाना चाहिए। निमिषा इज गॉट सिलेक्टेड नॉट विद वन और बट 2 स्पॉन्सरशिप, वन इज़ फ्रॉम मर्स्क विद बीएससी नॉटिकल साइंस एंड अदर इज फ्रॉम एमएससी, नॉट डिपेंड्स ऑन हर वेयर शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन। नेक्स्ट इज निशा जहांगीर, केम ऑल द वे फ्रॉम बेंगलोर, प्रिटी डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, गाइडेंस चाहिए थी मिली, गॉट सिलेक्टेड इन मर्स्क विद बीएससी नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप, ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन बर्नाल्ड शुल्टे मैनेजमेंट विद डीएनएस स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट इज वैष्णवी तुंगाड़े फ्रॉम महाराष्ट्र, इस बच्चे की जर्नी बहुत अलग रही है। बेसिक रिक्वायरमेंट हाइट की 145 सेंटीमीटर है डीजी शिपिंग की, बट डिफरेंट कंपनीज ने अपनी हाइट की अलग रिक्वायरमेंट्स रखी है। शी गॉट सिलेक्टेड इन एंग्लो लास्ट टाइम, बट एंग्लो की हाइट रिक्वायरमेंट्स आर स्लाइटली डिफरेंट एंड ऑन अ हायर लेवल, शी फेल्ड द मेडिकल्स आउट देयर, शी डिड नॉट गिव अप एंड मेड इन टू स्कॉर्पियो दिस टाइम एंड शी हैज क्वालिफाइड, क्लियर द मेडिकल्स, ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नेक्स्ट इज गुंजन, इस बच्चे की अपनी जर्नी रही है फ्रॉम देहरादून और शी इज सिलेक्टेड विद मर्स्क विद बीएससी नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप। ऑल आई कैन से इज गाइस, ये इस वीडियो के माध्यम से इन सब बच्चियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वापस रिपीट करते हुए, बी अ गर्ल विद अ माइंड, अ वुमन विद एन एटीट्यूड एंड अ लेडी विद अ क्लास, कि जब जहाज पे तुम जाओ तो लोग तुम्हें एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखें और तुम्हारा काम इतना अच्छा हो कि जैसे तुमने मेरी सोच बदलने की कोशिश करी है, जहाज पे हर किसी की सोच बदलो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत,
जय माता दी।